बेटा आर यू ओके? सही बेटा। और अब जहां सभी रजत की ओर देखती है, वहीं और भी हैं जो आज रजत को दुत्कार भरी निगाहें से देख रहे हैं। इतना बड़ा बिजनेसमैन और ऐसा काम? What nonsense is this? कैसे फादर हैं आप? खुद की बच्ची को नहीं पहचानते आप, जो मेरी बेटी को उठा ले आए? कितनी डरी हुई है ये। हद होती है लापरवाही की। वो तो अच्छा हुआ जो मिश्रा गुजराल में ही थे और उन्होंने देख लिया आपको सभ्या को ले जाते हुए, वरना मैं तो पुलिस को कॉल करने वाला था। अभी सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है आपको, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? जरा देखिए दोनों बच्चियों की तरफ, कितनी घबराई हुई है दोनों। I'm really sorry. जानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती मैंने जानबूझकर नहीं की है। देखिए मैम सर, प्लीज वी आर रियली वेरी सॉरी। आई नो ये गलती छोटी गलती नहीं है, लेकिन गलती तो गलती है, और इन्होंने जानबूझ के नहीं की। एक बार फिर से मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगी। श्रव्या बिल्कुल ठीक है, हम इसे आप ही के पास लेकर आ रहे थे। सभी मैम आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए चुप हूँ। और कहीं ना कहीं ये तसल्ली थी कि अगर ये आपके साथ है तो सेफ है, वरना मैं इस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराती। दोबारा कभी ऐसी गलती हुई ना तो हम आपका भी लिहाज नहीं रखेंगे। प्रॉमिस करते हैं कि आइंदा से ऐसा कभी भी नहीं होगा। वी आर रियली वेरी सॉरी। कम हियर। सही बेटा आप ठीक हो? सही चलो आओ। और अब तो सही को लेकर चले जाती है सभी, और अब रजत अकेला खड़ा देखते ही रह जाता है कि उसकी बेवकूफी की वजह से एक बार और मौका खुद दे दिया है वो अर्श को। सबको गुस्सा आ रहा है तुझ पर, सबको, लेकिन मुझे तरस आ रहा, सच कह रहा हूं। अरे यार तू ऐसे कैसे कर लेता है रजत, मतलब कैसे? हालत देखी तूने उन दोनों बच्चियों की? रो रो के बुरा हाल हो गया बेचारियों का। लेकिन अब तू भी क्या ही कर सकता है, भीड़ में अपना बच्चा तो सगे मां बाप को ही नजर आता है। अब भला तुझे कैसे ही पता चलता कि तूने जिसका हाथ पकड़ा है वो तेरी बेटी है ही नहीं? वैसे तू अगर उसका हाथ पकड़ भी लेता तो भी होना यही था, कुछ भी पता नहीं चलता तुझे। मगर यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, बहुत अजीब सी लगी। सही तेरा खून नहीं है, ठीक है, लेकिन 5 साल पाल पोस के बड़ा किया है तूने उसे, फिर भी तुझे समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात आज मुझे समझ में आ गई कि सगा सगा ही होता है, आखिर सगा बाप तो मैं ही हूं ना उसका। और अब अर्श रजत को ऐसा तमाचा मार रहा है जिसकी शोर तो सुनती नहीं पर चोट बहुत लगती है, सीधे सीने में। देख इमरजेंसी में मैं ही काम आया। अच्छा मैं चाहता तो उसे अपने साथ सीधा अपने घर लेके जा सकता था, लेकिन वो बेचारी परेशान हो जाती और मैं उसे परेशान होता हुआ देख सकता नहीं हूं बिल्कुल भी, इसलिए उसे सीधा यहां लेकर आया। मगर आज जो हुआ उससे एक बात तो समझ में आ गई बॉस, मैं अपनी बेटी को तेरे पास रहने दूंगा नहीं। तेरे साथ मेरी बेटी सेफ नहीं है भाई, तू अपने बेटे को नहीं संभाल सका तो मेरी बेटी को क्या खाक संभालेगा। इसलिए आज तुझसे एक वादा कर रहा हूँ, अपनी बेटी को वापस ले जाऊंगा मैं, और बहुत जल्द। और इस बार तो तेरे इस हरकतों की गवाही के लोग भी बहुत हैं, पब्लिकली ह्यूमिलेट किया है तूने मेरी बेटी को, बच्ची को वहां अकेले स्कूल में छोड़ाया, सोच अगर मैं वहां नहीं आता तो है? Shame on you. Shame on you.
जो तूने गलती करी है ना, अब तू देख उसकी क्या क्या सजा मिलेगी तुझे। चलो अंदर जा, येलो अलर्ट है, बारिश कभी भी हो सकती है। बेटी को लेने आऊंगा मैं। और अब रजत के तो मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलती अर्श के सामने। उसने इतना कुछ सुना दिया रजत को और रजत सुनता ही चला गया। क्यों? क्या रजत को वाकई में अर्श की बातों पर यकीन होने लगा है कि सई उसकी और आशिका की नहीं, अर्श और आशिका की बेटी है? वहीं अब सवी के पास देर रात को फोन आता है आशिका का, और जो सुनती है उसे तो होश उड़ जाती है सवी की। ये आशिका क्यों मुझे इतनी रात को कॉल कर रही है? हेलो हेलो सवी, सवी प्लीज जल्दी आओ और अपने पति को यहाँ से लेकर जाओ। रजत आपके घर पर है? हाँ सवी, और उसने बहुत पी रखी है, और तो और वो मेरे बेडरूम में घुस आया है और अजीब सी हरकतें कर रहा है, तमाशा कर रहा है। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ यार, प्लीज, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज रजत आशिका के पास, मैं अभी आई। तो आखिर जो करना चाहता था रजत के साथ वो वैसे भी कर ही दिया अर्श। खिलाड़ी तो पक्का निकला अर्श, रजत को बर्बाद जो करना था और शायद उसकी ओर चलने चला है। अब आगे क्या होता है देखते रहिए हूँ मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स पर, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड को।